उधर बलौदाबाजार जिले में लगभग दो महीने में लगभग 70% किसानों ने अपनी धान की बिक्री कर ली है और दूसरी तरफ बाकी के बचे किसानों के लिए करीब 161 धान खरीदी केंद्रों में खरीदारी जारी है। तो बता दें कि इस साल खरीदी केंद्रों में धान जाम की स्थिति नहीं है और ना ही बरदाने की समस्या है। अब तक जिले भर में 1,21,360 किसानों से 45,52,000 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिसके एवज में किसानों को 928,82,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जिले में अब तक 64% धान का उठाव किया जा चुका है। एक दो जगह को छोड़कर कहीं भी धान जाम की समस्या नहीं है। नोडल अधिकारी सहकारिता अविनाश शर्मा ने बताया कि किसानों को धान बेचने के 3 दिन में भुगतान किया जा रहा है। समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 23-24 में कुल धान उपार्जित धान है 45,52,000 मेट्रिक टन, जिसमें से परिवहन हो गया है 29,33,000 परिवहन हो गया है। शेष है हमारे पास 16,19,000 केंद्रों में है। 162 उपार्जन केंद्र में 1,21,360 किसान 928 करोड़ का किसानों को भुगतान हो चुका है। धान की बारदाना वगैरह कमी कहीं? बारदाना का कहीं अभी कोई समस्या नहीं है, हमारे पास मार्केट वाले ने पूरा व्यवस्था करके रख दी। धान जाम की स्थिति? धान जाम की स्थिति कुछ जगह है, 4-5 जगह जहाँ डीओ नहीं कट रहा है वो अब ठीक कर लिया गया, ठीक हो गया।